वो कहते हैं ना कि डिप्रेशन से निकलने का एक हल आवारागर्दी भी है। सो हमारी इस आवारागर्दी को देखने के लिए वीडियो के एंड तक हमारे साथ रहिए। जी तो ये है बाबे हज़ारा, जहाँ से आप पंजाब को खुदा हाफिज और खैबर पख्तूनख्वा को खुश आमदीद कहते हैं। ये जी हरिपुर से आगे ये एक जगह है सराय साले जिसे कहते हैं, ये एक मशहूर सौगात है जो काफ़ी अरसे से जो है ना यहाँ पे, मतलब लोग जो इस रास्ते पे सफ़र करते हैं तो वो ज़रूर उससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ की क्या चीज़ मशहूर है। कमी के बायस यहाँ रुक के पकौड़े खाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल था, लिहाजा हमने यही सोचा कि पकौड़ों को भी अपना हम सफ़र बना लेते हैं। जैसे जैसे सफ़र चलता जा रहा था उसी तरह कुछ बादल भी हमारे साथ सफ़र कर रहे थे। ले जी फाइनली बारिश स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, और हम जो है वो थोड़ी देर के लिए रुक गए हैं यहाँ पे। बारिश जो है वो काफ़ी तेज़ जो है वो स्टार्ट है, आप देख सकते हैं। यही तो इस इलाके की खूबसूरती है कि थोड़ी देर पहले जब हमने स्टार्ट किया था तो उस वक्त मौसम कैसा था और अभी जो है वो दिन के तकरीबन 3 बज रहे हैं, तो आप अभी जो है वो मौसम देख सकते हैं कि अभी मौसम किस तरह है। जी तो बारिश में कुछ देर स्टे करने के बाद, तो बारिश तो खैर अभी हल्की हो चुकी है, तो हम ही इस वक्त पहुँच गए हैं हवेलिया चौक में। मतलब यहाँ पे जब आप पहुँचेंगे तो यहाँ पे आगे दो रास्ते हैं, मतलब एक ये जो रास्ता है ये एबटाबाद वाली साइड पे चला जाता, ठीक है, मतलब एबटाबाद से होता है और सीधा आप नारायण वाली साइड पर। ये जो ऊपर वाला रास्ता है ना ये जाता है हवेलियाँ वाली साइड पे और यही रास्ता फिर आगे जाके गली आद को टच करता, ये कराक्रम हाईवे है ये वाली, और यहाँ से फिर जो है आप अपने ऊपर राइट साइड की तरफ टर्न लें आगे। इस इलाके की एक खूबसूरती ये भी है कि गर्मी के सख्त मौसम में आपको यहाँ पानी बिना बर्फ़ के ठंडा मिलेगा। अम्ब्रेला वाटरफॉल से पहले एक और आबशार दिखाई देगी जिसको सजीकोट वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है, जो दूर से तो इंतहाई खूबसूरत लग रही थी। जी तो चाह रहा था कि करीब से जा कर देखूँ, लेकिन ढलता सूरज इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा था क्योंकि हमारी मंजिल अभी 4 किलोमीटर। वाटरफॉल का ये ट्रैक है, ठीक है, तो अगर मैं ये आप मेरे ये पीछे देखें, ये यहाँ पे वो और ये पीछे, ठीक है, तो ये ऊपर मतलब आपको गाड़ी या बाइक जिस पे भी आप आएँ तो आपको वहाँ पे रुक के तो फिर उसके बाद जो है यहाँ से आपको अपना वो ये ट्रैक शुरू करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा रास्ता है तो वो मुश्किल तो होगी, अब देखें डेस्टिनेशन पे पहुँच के तो कैसा फील होता है, तो चले वहाँ पे पहुँच के जो है फिर बात ना। सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो आपने कंप्लीट रखने हैं, ठीक है, क्योंकि
वापसी पे तो चलें, खैर वो तो एक हाइक करके आप वापस ऊपर आएंगे, लेकिन ये जो नीचे जाने वाला ये जो रास्ता है ना, ये आप ये देख सकते हैं, ठीक है। तो वापसी का एक्सपीरियंस तो हम बाद में शेयर करेंगे, अभी तो मंजिल से कुछ ही दूरी पर थे कि नज़र पड़ी पानी पर, जो कि काफ़ी हद तक मैला हो चुका था और वजह थी बारिश। इससे पहले कि दिल में कोई अफसोसदगी छा जाती, हमने पहाड़ों के दामन में पहुंचने का फैसला किया। एक बहुत कठिन सा रास्ता ऊपर से तय करके हम लोग खैर एटलीस्ट नीचे पहुंच गए हैं। तो यहाँ के ये इंतजामिया है, कुछ मुकामी लोग हैं, तो चले इनसे बात करते हैं, इस वाटरफॉल के वाले। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरदार अकील है जी। सरदार अकील, अच्छा तो आप यहाँ के मकामी? जी अल्हम्दुलिल्लाह मकामी हम यहाँ के जी। अच्छा तो ये मुझे ज़रा बताएं कि ये पहले तो कुछ टाइम पहले तक तो ये वाटरफॉल जो है इतना मतलब नाम नहीं था इसका, या इस तरफ किसी का आना जाना नहीं था, तो मुझे बता सकते हैं कि ये कितना टाइम हुआ है इसको यहाँ पे दरियाफ्त हुए हैं? ये जो जगह है पीछे जो अम्ब्रेला बनी हुई है छतरियाँ, तो काफ़ी अर्सा हो गया बनी है, लेकिन ये जो मतलब मशहूर हुई हैं 3-4 साल से ही है, 3-4 साल। तो वैसे तो मैंने तो देखा है काफ़ी सारे यहाँ पे आवाम जो है वो लाहौर से भी, तो दूर दराज के इलाकों से भी तो आ रही हैं, तो काइंडली उस हवाले से बताइएगा कि लोगों का यहाँ पे मतलब कोई ऐसा कोई मसला परेशानी तो नहीं होता, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ये रास्ता भी काफ़ी मुश्किल है, तो आप लोग जो हैं ये काफ़ी सर्विंग कर रहे हैं। ये जिस हवाले से ये कैमरा मैंने ज़रा दिखाई है, यहाँ पर ये रस्सियाँ हैं, ठीक है, ये इन लोगों ने लगाई हुई हैं सिर्फ यहाँ मानते हैं हम जो मतलब ये रास्ता जो निकाला है हम लोगों ने खुद अपनी मदद आप निकाला है, अपने हाथों से निकाला है, जंगलात की पाबंदियाँ होने के बावजूद भी फिर भी निकाला है हमने, ठीक है। ये रस्सी लोगों को सुलग के लगी हुई है, 30 रुपये टिकट लेते हैं यहाँ का, 10-15 बंदे हैं, सफाई का ख्याल रखते हैं। उसके अलावा दूसरा ये बात है, अच्छा कोई नहीं हुआ अभी तक, मतलब बंदे ये हैं कि कोई वहाँ से गिरा या हमने पकड़ लिया, हर मोड़ पर एक ना एक बंदा हमारा मकामी जो खड़ा होता है जो अच्छा गाइड करे हर बंदे को, उसी रास्ता दिखाए। तो लोगों का भी तावन मतलब ये है कि यही कहना चाहता हूँ जो बंदा यहाँ पर आता है वो भी खसूसी सफाई का ख्याल रखे, इंतज़ामिया से जो है वो अच्छा सलूक रखे, क्योंकि लोग आएंगे हमसे अच्छा बर्वेव करेंगे तो हम उनसे करेंगे। ये देखें इनका भी यही कहना है कि यहाँ पे खैर यहाँ पे तो नहीं, कहीं पे भी आप जब जाएं तो आपने सफाई का जो है वो बहुत ख्याल रखना है, लेकिन यहाँ की सफाई का ख्याल रखते हैं वो ये बहुत बड़ा काम करते हैं। आप देख रहे हैं पानी थोड़ा सा ज़्यादा आया है, जब बारिश होती है ना पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है, अब बंदे फंस जाते हैं, फिर हम उनको रस्सियाँ बांध के निकालें हैं, वो आगे हैं बच्चे हैं ऊपर भेजे हैं, अभी आपने देखा होगा वहाँ आहिस्ता आहिस्ता जा रही है, इन सब लोगों को भेजते हैं, रेस्क्यू करते हैं, मतलब अच्छा काम करते हैं, मकामी है यहाँ पे, हमारा काम भी है तावन करना लोगों से, ये नहीं है काम किसी पे आसान करते हैं, ठीक है। जी व्यूवर्स ये देख लें, ये इनका कहना ये है कि मतलब पहले जो है पानी कम था, ये नीचे पानी का बहाव जो था ये बहुत कम था, तो वो कह रहे हैं कि मतलब ऊपर कहीं बारिश हुई है तो पानी जो है वो ज़्यादा तेज़ हो गया, तो ये उस हवाले से यहाँ पे लोगों को रेस्क्यू भी करते हैं, ठीक। शाम के तकरीबन 6 बज चुके थे, सूरज भी ढलने के करीब था और हमें वापसी में 45 मिनट ऊपर तक लग गए और उसके बाद भी एक तवील सफ़र था, लिहाजा हम वहाँ ज़्यादा देर रुक ना सके और हमने वापसी का फैसला किया। क्या फील हो रहा है? ना पूछे कैसा रहा है सफ़र? सफ़र तो यार नीचे का तो बहुत अच्छा है, आधा रास्ता तय कर लिया है, बहुत मुश्किल है यार वापस की हाइक जो है ना वो बहुत मुश्किल है। शूज़ जो आने वाले लोग हैं उनके लिए आप क्या कह सकते हैं? अगर यही कह सकता हूँ कि एक हाइकिंग के लिए जो है एक आपके पास स्टिक होनी चाहिए, अच्छा, और दूसरा ये कि
आपको आपके अंदर स्टैमिना होना चाहिए। सही सबसे बेहतर चीज सही मतलब तो ये है कि शूज आपके पास अच्छे पहने होने चाहिए। क्लोज करें बस इस वीडियो का, क्लोज करते हैं क्योंकि मोबाइल की बैटरी जो है वो बिल्कुल एंड हो चुकी है। अच्छा तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और जगह पे। जी जी, तो बस एंड पे एक ही बात बोलना चाहूँगा कि हमारा ये चैनल है, काइंडली आप इसको सब्सक्राइब करें और जितनी भी हो सके हमारी इस वीडियो को आगे लाइक और शेयर करें। थैंक यू, ओके।